गर्मियों का मौसम जैसे कि शुरू हो ही चुका है, तो घर में लस्सी हो, छाछ हो, कढ़ी है, ये तो बनती ही बनती है, हर रोज़ बनती है। और काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि दही अच्छे से जम नहीं पाती है, एकदम पनीली सी रहती है, और हर बार मार्केट से दही लेकर आना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। तो आपका खर्चा कम करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से घर में दही बनाई जाती है। एकदम मलाईदार होती है और साथ ही साथ में बिल्कुल भी पनीली नहीं होती है और गाढ़ी भी होती है, ये भी एक खास चीज़ है। तो चलिए देखते हैं घर में किस तरह से दही बनाई जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध, और ये जो दूध है ये फुल क्रीम मिल्क है। और अगर आपके यहाँ पे ये फुल क्रीम मिल्क की पैकेट्स नहीं मिलती है कोई भी ब्रांड की, कोई भी कंपनी की, तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ताकि जो दही हम बना रहे हैं एकदम गाढ़ी सी हो, एकदम क्रीमी हो, जैसे कि जो डब्बे वाले दही आते हैं बस वैसे ही दही ये बनने वाली है। तो ये दूध को हम निकालेंगे बर्तन में, साथ ही साथ में ऊपर से एक और लीटर दूध डालेंगे। तो कुल मिला के 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो दूध को हम गैस के ऊपर रख देंगे। तो गैस ऑन कर दिया है और आँच को मैंने तेज़ रखा है, और तेज़ आँच पे ही हमें दूध को उबालना है। तो दूध के ऊपर हल्की सी पपड़ी बनना शुरू हो चुकी है, तो दूध में उबाल आना अब शुरू हो ही चुका है, और किसी भी वक्त दूध एकदम उबल सकता है और गिर सकता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि दूध गर्म होते वक्त खौल के गिर ना जाए। तो देखिए दूध गर्म होना शुरू हो चुका है और मलाई ऊपर आनी शुरू हो चुकी है। इस तरह से हमें थोड़ा सा, तो दूध खौलना शुरू हो चुका है, तो मैंने थोड़े कांटे की सहायता से जो मलाई ऊपर आ रही थी वो अंदर ही कर दी है, ताकि खोलते वक्त दूध नीचे ना गिरे। और गैस को मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है। इस तरह से चम्मच की सहायता से दूध को इस तरह से चलाएंगे ताकि दूध है जो बाहर निकले ना। और 5 मिनट तक हम दूध को ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है, तो मैं 5 मिनट के लिए दूध को इस तरह से खौलाती रहूँगी। अगर आपने फुल क्रीम दूध नहीं लिया है तो 10 मिनट तक आपको दूध को खौलाते रहना है धीमी आंच पे। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि दूध को क्यों खौलाना है, हम इसलिए खौला रहे हैं दूध ताकि दूध थोड़ा सा छन जाए और जो दही है हमारी बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी और गाढ़ी सी तैयार होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दही जमाते हैं तो जब दही जम जाती है तो उसमें आप देखते हो कि पानी पानी सा रहता है, वो इसलिए क्योंकि दूध में तो पानी रहता ही है। तो दूध में पानी की मात्रा कम करने के लिए थोड़ा दूध को गाढ़ा करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और उसकी ही वजह से जो दही है बहुत ही अच्छी सी क्रीमी आपकी तैयार होती है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये खास टिप है जो मैंने आपको बताया है। तो जैसे ही दूध उबलना शुरू होगा तो तुरंत हमें बंद नहीं कर देना है, 10 मिनट तक हमें दूध को उबालना है। तो 10 मिनट हो चुका है और दूध मैंने अच्छे से खौला दिया है। तो गैस को मैं यहाँ पर बंद करने वाली हूँ। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और हमें इंतज़ार करना है जब तक ये जो दूध है हल्का सा गुनगुना गर्म ना हो, तब तक का इंतज़ार करना है। तो मैं यहाँ पे गैस से हटा दूँगी, हमें गैस के ऊपर नहीं रखना है ये पतीला। हम यहाँ पे टोप को हल्का नीचे से टच करके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि दूध यहाँ पर हल्का गुनगुना गर्म सा है। या फिर आप उंगली की सहायता से हम चेक करेंगे, तो ऊपर पहले मलाई है तो साइड में कर देंगे और चेक करेंगे, बहुत ही हल्का सा गुनगुना गरम लगेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ दूध को गरम किया था। यहाँ पे जो दूध है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का सा गुनगुना गरम है, तो ये जो टेम्परेचर है एकदम परफेक्ट है। आपको बस महसूस हो रहा होगा उंगली में कि दूध यहाँ पे गरम सा है हल्का। तो हम यहाँ पे कटोरी में निकाल लेंगे, आप चाहो तो कोई डब्बे में निकाल लीजिए, और अगर आप मलाई जमा करते हो घी बनाने के लिए तो उसी डब्बे में आप निकाल लीजिए। तो मैंने मलाई को निकाल दिया है, तो थोड़ी बहुत मलाई रह गई है। तो अब हम जिस बर्तन में इसे जमाने वाले हैं दूध को, उस बर्तन में हम ये दूध को छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी के बर्तन में बहुत ही अच्छे से दही जमती है। मैंने यहाँ पर लिया है ये चाय की छन्नी,
मैं यहाँ पे दूध को इसलिए छान रही हूँ ताकि जब दही बनेगी तो खाते वक्त दही में छोटे छोटे मलाई के दाने नहीं आना चाहिए, और छानने के बाद भी बहुत ही अच्छी परत बनेगी मलाई की। तो इस बर्तन में सारा का सारा 2 लीटर दूध आ चुका है। तो दूध को जमाने के लिए हम दही डालेंगे, लेकिन कौन सी दही डालना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी दही जो बिखरी हुई होती है वो अगर डालते हो तो दही की जो कंसिस्टेंसी होती है जो हम तैयार करते हैं वो वैसे ही बिखरी हुई रहती है। और अगर दही एकदम क्रीमी बनानी है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये डब्बे वाला दही। पैकेट वाला दही बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रहता है, या हम दूध की डेयरी से जो दही लाते हैं वो भी एकदम बिखरा हुआ सा रहता है। इसलिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये डब्बे वाला दही। तो ये जो दही है वो हम लेंगे जो कि डब्बे वाला दही है। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये दही निकाला है एकदम क्रीमी टेक्सचर है और एकदम बंधा हुआ है, बिखर बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अब हमें दही को पहले इस तरह से बीच में डालना है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो या फिर दूध के अंदर अच्छे से दही को मिक्स कर लीजिए। दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हो। तो चारों तरफ मैंने दही डाल दिया था दूध में, और साथ ही साथ में बीच में भी मैंने दूध के दही डाला है। तो अब हम इसे ऐसे ही रख देंगे सेट होने के लिए। तो अब हम इसे ढक देंगे और दही को अगले दिन ही चेक करेंगे। एक दिन का वक्त तो लेता ही है, अगर आप सुबह दही को जमाते हो तो हमें नेक्स्ट डे ही देखना है। अगले दिन ये दही पूरी तरह से जम चुका है, और अगर मैं यहाँ पे टच करके दिखाऊंगी आपको, देखिए इस तरह से दही के ऊपर तो ऐसा जमा जमा सा लग रहा है कि बहुत कुछ जम चुका है ऊपर। हम यहाँ पे दही को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो कल हमने दही जमाया था और आज दोपहर तक बहुत ही अच्छे से दही जम चुका है, और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए हमारा ये जो दही है एकदम जम के तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है और बहुत ही अच्छी परत आई है जैसे कि आप देख सकते हो, और पनीलिया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको आज की दही बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।